के साथ क्या होता है। तो चले तो अब आगे थोड़ा माइक और किसी को दे दीजिए, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। केवल अब आज्ञा हो तो मैं चाहती हूँ और आगे मुझे जाना है। हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेदी पूजन होगा, सुबह यज्ञ होगा। यज्ञ में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इस यज्ञ में आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने को छोटा महसूस करके यज्ञ में ना आए, अपने मन से जात पात की भावना निकाल ले, तभी हमारा समाज आगे जाएगा और तभी समाज को ये दिशा मिलेगी। कालांतर पहले तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी कि ब्राह्मण ही यज्ञ करता था और ब्राह्मण ही यज्ञ कराता था, ये ब्राह्मण ही यजमान होता था। मगर परम पूज गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था निकाली और ये सिद्ध करके दिखाया कि भगवान की पूजा में भेदभाव है तो वो पूजा पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए, ये ग्रामीण यज्ञ है, शहरों में यज्ञ हुआ करते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें अनुदान करते हैं, लाखों रुपया आता है, लाखों के मठाधीश लोग दिए जाते हैं। मगर हमारा ये यज्ञ ये गरीब यज्ञ है, ये जन-जन का एक-एक रुपया हर घर से थोड़ा-थोड़ा भिक्षा हमारे श्याम बाबा ने माना है, थोड़ा-थोड़ा। ये भगवान के नरवा है, दिया है बुलवा भगवान का नरवा है, पूरे गांव क्षेत्र को श्याम बाबा ने दिया है बुलवा। जो बिदाई लिए है वो आपके सामने उन्होंने लगा दिया है। ये ज्ञाता है, ये यज्ञ को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी इस गांव समाज की है। इसलिए आप सभी लोग जगो, आज जिनके अंदर यह समय है जगने का और जगाने का, क्योंकि जागरण के बगल यज्ञ अधूरा है। ढोल तो वापस करके चले जाएंगे तो मजा कुछ मजा नहीं आएगा। मैं कल से पूरा समय दूंगा, यहाँ पूरा समय दूंगा, अपना यहाँ है और श्री श्याम बाबू जी को करते हैं और जीवन में अपनाते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम चाहते हैं और प्रेरणा तो क्या अंदर चली जाएगी, चाह चाह करने से हमारा काम बन जाएगा। यही आपका कहना है कि राम राम करने से काम नहीं बनना है, राम के काम करने से काम बनेगा, राम हरि की बात को अपने जीवन में उतारने से काम बनेगा। हम कथा सुन लेंगे, राम राम का गीत होगा, सुखकथा मारी जाएगी, मारी जाएगा सब खत्म हो जाएगी कथा, उसके बाद फिर अपना अपना काम शुरू कर देंगे हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस यज्ञ में कुछ लेके जाएंगे और कुछ देके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, लेके क्या जाएंगे, एक अच्छाई और देके क्या जाएंगे, एक बुराई। अगर हम यज्ञ में आए एक अच्छाई एक बुराई का आदान प्रदान न दिया तो यज्ञ में आने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आइए हम सब मिलकर इस यज्ञ को सफल करते हैं। अब आपकी कथा 8:30 बजे शुरू हो पाई क्योंकि आचार्य लोग थके हुए हैं, कुछ चाय नाश्ता पानी कर लें, 8:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी और बहुत बढ़िया आचार्य जी कथा कहते हैं, सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा। अब हम लोग को विधाई के लिए हम लोग आज्ञा दीजिए, हम लोग चले क्योंकि आश्रम में कोई नहीं होगा इसलिए व्यवस्था नहीं। कल से हम आएंगे, पूरा समय देंगे और शादी जी का 3 दिन का समय हम देंगे, 3 दिन समय साधु जी की बात कहेंगे और जब भी कहेंगे और आज ये आपकी बात पूरे राजनीति के क्षेत्र में निकल जाएगी। हाँ ये देख लीजिएगा और ये तो होते होते तक आज हमारी फोटो भी पेपरों तक चल जाएगी, ये पूरा चल जाएगा। कहीं ये जो हुई
अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति विश्व देवा शांति सर्वगुण शांति शाबा शांति पाठ हो गया है। आप सभी लोग कुछ भोजन पानी कर ले, उसके बाद 8:30 बजे आचार्य जी का प्रवचन होगा, राम कथा पे चर्चा होगी, भूलिएगा नहीं। कल सुबह यज्ञ है, मैं कल बता रहा हूँ, पूर्ण समय दूंगा। और ये यज्ञ आपका है, इसे संभाल कर रखें। ये दिन तुम्हारा हो सकता मिले या ना मिले किसी को, जो काल करे तो आज कर, धन्यवाद। आप लोग ऑनलाइन सर्विस देखे कल 28 जनवरी 2011 था, 28 जनवरी 2011 था, जो फुर्सतगंज और टिकारी के बीच में धनीपुर गांव में वो कार्यक्रम कल जो वहाँ हुआ कलश यात्रा वाला। तो अब चूंकि इसको अगर अलग अलग ढंग से बनाया जाता है तो डेट नहीं आ पाता है इसमें, तो इसलिए बोलना पड़ता है कि किस डेट का ये आपको बनाना है। तो कुल मिला करके बहुत ही हमें बड़ा अच्छा लगा, धार्मिक वहाँ भावनाओं से ओतप्रोत है और क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र हमको लगता है वो शायद, और बड़े अच्छे लोग हैं और उनके अंदर एक धार्मिक भावना है, और थोड़ा दूर हट के जरूर है लेकिन उस गांव से मझलहा गांव गए थे हम लोग जब कलश यात्रा का जल लेने, तो वहाँ पर और भी बड़ा सुंदर दृश्य था। और उस समय इसका बैटरी वैटरी ख़त्म हो गया था कैमरे का, वहाँ का सीन नहीं बना पाए, तो फिर कभी जाना होगा तो जाएंगे। कुल मिला करके काफ़ी अच्छा लगा। तो उसी संदर्भ में ये बताना था कि ये 28 जनवरी 2011 का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, 28 जनवरी सन 2011 का, और कुछ इसमें पिछले हैं प्रोग्राम, वो भी अगर सीडी में आ जाएंगे तो उनको भी डाल दिया जाएगा। तो बाकी अब आप अपना कार्य करें, धन्यवाद। तो हमारा नेतृत्व न कर रहा होता, बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने उनको देखा भी होगा, मैंने तो देखा भी है, दर्शन भी किए हैं, और उन्होंने कोई शक्ति नहीं, एक वो शक्ति जिसको कहते हैं जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उस साम्राज्य से टक्कर ली और टक्कर लिया सारी धोती कपड़ा और एक लकुटिया और एक लाठी लेकर। लोग मजाक करते थे, बातें हम लोगों ने तो समय देखा है, लोग मजाक करते थे, जवाहरलाल नेहरू कहते थे, जब लड़ाई की जरूरत पड़ी तो महात्मा जी चरखा लेके आ गए, चरखे से अंग्रेज भाग जाएगा, इतना बड़ा साम्राज्य जिसका है, इतनी सेना जिसके पास है, वो चरखे से भाग जाएगा। हम ये पा रहे हैं, आंख से हम क्या देख रहे हैं, रोटी कपड़ा दुकान बाजार, स्वच्छता स्वतंत्रता स्वास्थ्य, फिर भगवान ने एक महामानव हमारे बीच में भेजा। आप माने या न माने, ये अवतार अवतरित हुआ है, अवतार आया है, कम से कम हम लोगों को मानना चाहिए। आप माने या न माने उसको,
आपको उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। अगर इस देश को जिसमें हमको रहना है, आप किसी पार्टी के हो कुछ हो, अगर आप चाहते हैं यहाँ ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार दूर हो, आपकी इज्जत हो, बिजली पानी सड़क मकान अस्पताल स्कूल हमको मिले, तो ये गवर्नमेंट नंदी आया करते थे और दो दो आने पैसे लिया करते थे। लोग कहते थे ये नंगा फकीर, चरखा जलाने वाला, बदन पे कपड़ा नहीं, ये अंग्रेजों को भगा देगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग विश्वास नहीं करते थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक तरफ तो आजादी कितनी बड़ी लड़ाई और महात्मा जी चरखा लेके आ गए, इस चरखे से अंग्रेज भाग जाए। और आपने देखा हमारे देखते देखते वो अंपायर, उतनी बड़ी ब्रिटिश अंपायर जिसको कहते थे सर नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश अंपायर, वो अंपायर धराशायी हो गई और आज आप स्वतंत्र बैठे हुए। अंग्रेजों के जमाने में ऐसे नहीं बैठ सकते थे। मैंने वो देखा जहाँ क्लबों में लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, बोलो कि मैंने चिंगारी को ज्वाला बनते हुए अपने बचपन और जवानी में देखा है, इसलिए आपसे मैं कह सकता हूँ इसको चिंगारी मत समझिए। ये मत समझिए कि यहाँ 20 लाख की आबादी का ये जिला और यहाँ 20 आदमी 25 आदमी इकट्ठा हुए, ये चिंगारी है। चिंगारी इस चिंगारी से ज्वाला बनेगी। हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमको आज़ादी की लड़ाई में देश को करने के लिए महात्मा गांधी मिले और आज जिस चीज़ की देश को जरूरत है उसके लिए भगवान ने हमारे यहाँ तो गीता में ही कहा हुआ है यदा यदा ही धर्म से लाने बहुत ही भारत अतुत्थान धर्म से तो राज मानो प्यार करो। जब हमको जरूरत पड़ी इस तरह के महामानव की, वो महामानव आपके बीच में आ गया है। अब आप उसके बताए हुए रास्ते पे चले न चले उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। आप अगर इकट्ठे होंगे हम लोग सब करेंगे तो हमारा भला होगा, हमारे स्वास्थ्य का भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने रास्ता दिखा दिया और रास्ता नहीं दिखा दिया। वो नेता नहीं है कि भाषण दे करके मंच से चले गए, आगे चल रहे हैं कहते पीछे चलो। 5 बजे सवेरे से कार्यक्रम 10 बजे रात तक का, कितनी शक्ति की मानो इतनी शक्ति संभव है क्या? आप तुरंत सोच ले 5 बजे से एक कार्यक्रम, 12 बजे से दूसरा कार्यक्रम, 4 बजे से तीसरा कार्यक्रम और उसके बाद भी दिन भर अपना और कार्यक्रम, 3 बजे रात 3 बजे सवेरे उठना, 10-11 बजे रात में सोना और एक क्षण को विश्राम न लेना, ये मनुष्य के लिए संभव है क्या? बता सकते हैं कोई आदमी ऐसा आप जिसमें इतनी शक्ति दी गई हो? ये महामानव, एक महामानव ने आपको रास्ता बताया है। हम आपसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको ये शक्ति दे कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, अपने लिए, अपने देश के लिए, उसके लिए नहीं। उसको आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आपको उसकी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मुझे चूंकि कहीं जाना है, मैं चाहता तो सा देर तक आपके बीच में रहना परंतु संभव नहीं है। परंतु मैं ही आपको सबके सामने घोषणा कर सकता हूँ कि मेरी जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ आप समझते हैं कि आगे बढ़ने में कुछ खतरा है, वहाँ आप मेरा नाम लेंगे मैं जरूर पहुँच जाऊँगा। मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके साथ हूँ। अभी उम्र की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, अन्यथा मैं किसी प्रकार से भी किसी कार्यक्रम में भी बाबा के कार्यक्रम में, क्योंकि मैं दो बातें अच्छी तरह समझता हूँ, आप माने या न माने, मैं मानता हूँ। मैंने दुनिया देखी है, ये अवतार हुआ है देश, अवतार के पीछे कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि मैं अवतार हुआ, ये अवतार हुआ है इस देश में। और इस अवतार के पीछे चलने में इस अवतार का भला नहीं होगा, आपका भला होगा। उसको आपके जरूरत पे पूरे देश में जहाँ देखिए दक्षिण से लेकर उत्तर तक उड़ीसा सवेरे के लोग बैठे रहते, इसलिए अपने लिए भला करें। समाज का मैं माफी चाहता हूँ।
मुझे माफी देना, तो मुझे जाना है, इसलिए आपने अब आप आगे से भी था, अब आगे जाइए आगे चिंता मारे इस स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भारत रत्न और अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सार मान के साथ खड़ा करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, स्वस्थ और समृद्धशाली भारत बनाने के लिए यह आयोजन किया गया है और पूरे देश में यह आयोजन हुआ है। आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है। ऐसे 3 बलिदान दिवसों पर जिन भारत के सपूतों ने अपना जीवन अर्पण किया है, आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर, आगे 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर, और फिर आगामी 23 मार्च को और भगत सिंह के बलिदान दिवस पर हम इसी प्रकार के ज्ञापन देंगे। इसे यदि ज्ञापन से और इस शांतिपूर्ण आंदोलन से और भारत सरकार की नींद नहीं छूटती है, तो फिर उसकी नींद हराम करने के लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। आज का आंदोलन इसी निमित्त के आयोजित किया गया। वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, वापस हो, वापस हो, काला
बेईमानों का राज बदल दो। काला धन उसको वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ इधर भी आओ शुरुआत एक अच्छी हुई जी। गोविंद नारायण शुक्ल जी कौन है आप कहां रहने वाले हैं? धन्यवाद। तो क्या अपने प्रधानमंत्री जी को भी दोनों दोनों
हस्ताक्षर भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। काला धन वापस हो। वापस हो। काला धन वापस हो। वापस हो। काला धन वापस हो। वापस हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भैया हमारे फोटो खींच रहे थे भैया, फोटो से वीडियो आ रही ना पूरी, फोटो टाइप नहीं है, सिर्फ वीडियो सर खींचना हमारा। फिर आप खींचते हैं झंडे के साथ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। काला धन वापस हो। वापस हो। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है।
कौन चलेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2011। आज दोपहर में, आज मंगलवार भी है, तो आज दोपहर में यहाँ फुर्सतगंज के पास में एक गांव है, क्या नाम है, धनीपुर, कोठई, कोठई धनीपुर। वहाँ कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है रामकथा का, यज्ञ का, तो आज मुझे वहाँ जाना है। तो अभी विदा होने के पहले, क्योंकि हमारे इसी गीतांजलि ब्यूटी पार्लर में फूल जो है इतना सुंदर ये खिला है, बिल्कुल तितली की शक्ल में, दूर से देखने में लगता है जैसे कोई राक्षस का मुंह हो, दो बड़ी बड़ी आँखें और बड़ा सा मुंह, और करीब से आने में इसकी सुंदरता के कहने ही क्या है। ये हाईब्रिड वाले फूल हैं, सीजनल, तो वही जो है रखा हुआ है गमलों में, तो हम जगह बना लें। ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई पीला पीला राक्षस ऐसा हो, और उसकी आँखें और चेहरा जो है वो मुंह बड़ा सा है, आँखें हैं, और करीब से देखिए तो बिल्कुल तितली, तितली के जैसा लग रहा है।
जिसे बटरफ्लाई से लोग कहते हैं, बटरफ्लाई फ्लावर। तो अन्य गमले वगैरह रखे हैं सर सजावट के लिए। पार्लर खुलने वाला है, यहाँ 10 बजे पार्लर खुल जाएगा। ये हाईब्रिड वाले गेंदे हैं सर, जो छोटे पौधों में भी होते हैं लेकिन बड़े उनके नखड़े होते हैं। अलसी नेता वहाँ आश्रम चलाए थे, श्याम बाबा के आश्रम से, और उसका बीजा लाए हैं फूल का। या पार्लर के अंदर का सीन देख रहे हैं, मैं ही इसे बना रहा हूँ। ये सब ब्यूटी पार्लर जो हमारी बेटियों बेटी के नाम से है, गीतांजलि, गीता और अंजलि दो बेटियाँ हैं, इन्हीं के नाम से पार्लर चल रहा है। काफ़ी दिनों से वो यहाँ रहती नहीं हैं, लेकिन फिर भी पार्लर कम से कम जिंदा तो है। वो जो आ जाती हैं तो फिर कस्टमर आने लगते हैं काफ़ी, उनकी गैर हाजिरी में तैयारी हमारी हो रही है। बाद अभी जा रहे हैं यहाँ बंदर भोज करने, बंदर भोज करके 12 बजे तक रवाना हो जाएंगे। ये क्या नाम, इधर आइए आप। हमारे ये हैं शिव शंकर शर्मा, मिस्त्री हैं, और शिव मोहन मौर्या और गुलजारी होटल वाले। इन लोगों ने एक नई स्कीम चालू किया है कि हम प्रत्येक मंगलवार को तीनों लोग मिल के, हम डलमऊ है, दरियापुर जहां मैं बोल रहा हूँ, ये दरियापुर है, सीमेंट पाइप फैक्ट्री है सामने यहीं अंदर, और कभी मुंशीगंज में ये खिलावेंगे, कभी भौंरेश्वर जाते हैं। इनकी ये प्लानिंग है, शुरू हुई है, इनको काफ़ी लाभ हो रहा है। यहाँ हम आए हैं दरियापुर में, ये वही सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में खड़े हैं, सीमेंट पाइप फैक्ट्री। तो अब जो ही तीन बंदर हैं यहाँ पर, इनका तो ऐसे पेट भरा है। मंगलवार का दिन है तो हमने इन लोगों से ये कहा, देखिए दिमाग से निकाल लिए, बाबा जी बंदर वो जा रहे हैं वहाँ हैं। उधर से ऐसे चलो, ऐसे घूमते घूमते चलो, चलिए वहीं चलिए। आप जो है अपने कभी कभी खिलाने के लिए नहीं मिलते हैं तो ऐसे ही जंगलों में इनको ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है। और ये चमत्कारिक चीज है, इसमें बड़े बड़े लोगों के काम बन रहे हैं। अब यहाँ सिविल लाइन चौराहे पर एक नरेंद्र सिंह है, सरदार नरेंद्र सिंह, वो भी बड़े बड़े भक्त हैं बंदरों के, वो भी खूब चलाते उलाते हैं। आज भी हमारी उनकी मुलाकात हुई है तो हमने उनसे यही आग्रह किया, हमने कहा साहब छाबड़ा जी से कहेंगे, छाबड़ा भी एक रायबली के अंदर एक पहचान है, पूरी रायबली की वो शान है छाबड़ा। छाबड़ा कौन है वो? एक सरदार जी हैं, दीप दीप सूज वाला। हाँ हाँ, दीप सूज जी, फैमिली क्या क्या है ना, तो बहुत दानी टाइप का आदमी है। तो उनसे हमको आग्रह करना है छाबड़ा जी से, देखो आरी की दवा है ना, देख लो। हाँ बिल्कुल, दवा कहते तो छाबड़ा जी से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर चरणजीत सिंह जो यहाँ डीएम साहब रहे, उनसे या तो हमको मिलेंगे। देखो छोटा बच्चा है वहाँ, वो है दुकान यहाँ चौधरी। यहाँ पर कितनी शुद्ध जगह है, ना यहाँ कोई कट्टी है, ना पेशाब है, कुछ नहीं है। थोड़ा करीब तो बनाओ हो, ये बहुत सुन धूप से बनाते हैं।
कभी कभी आगे उसमें सूच लगा है, धीरे धीरे उसको बढ़ाया करो, धीरे धीरे घटा दिया करो। दादा हाँ हो नीचे जल नीचे जल नीचे जल चमे 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 देखो कूद गवा बाबा गिर गवा ऊपर से चमे चमे काम है यही कीन जा रहे बंदार के बुलाए वाला बाबा आगे दिवाली बाबा कितने दूर खड़े हैं देखो लगता है कि साथ नजदीक में बाबा इतनी दूर खड़े हैं ना और बाबा एकदम बिल्कुल लग रहा है कि नज़दीक में देखो बंदर बिल्कुल लागे नज़दीक में लग रहे हैं फिर नज़दीक में है ये देखो बाबा दूर इतने दूर है ना देखो ये देखो देखो बाबा कितने यहाँ कहाँ वहाँ है ना बाबा देखो ये देखो ये अब दूर है काफ़ी दूर है ना अब देखो ये 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 है ना बाबा नज़दीक में ले हम बनाए तुम जाओ दिए बना देते हैं दीवारे दीवार रखो या नीचे दे दो लेकिन दीवारे दीवार रख दो ये सब लाइन के लाइन खड़ी हैं
जो यहाँ वहाँ का बनाओ, इन लोगों का भी बना दो। कौन फोटो कहाँ मैंने देखी, कहाँ आदमी देख रहे थे, इससे ज्ञान लोगों को मिलता है। इनको भी मालूम होगा कि बंदर खिलाने का क्या मतलब होता है ना। बंदर खिलाने से हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। मैंने जो कथा उठा घर में कहवावत है ना, पंडित जी को बोला कि पंडित जी तो हम भी हैं, लेकिन कथा से मिली कुछ ना। दान करी हो तो पई हो, दान करी हो तो आपको मिलेगा दान। ये प्रकार का दान है, चीटी खिलाओ, बंदर खिलाओ, गरीब बच्चों को खिलाओ, है ना, खिलुहन का ना खवाओ। प्रसाद बट रहा है, भंडारा हो रहा है, रेलना लाए। अरे कौन प्रसाद, कौन भंडारा? भंडारा का मतलब भूखे को खिलाओ। भंडारा उस जमाने में का है जब साधु संत जंगल में रहते हैं, साल में छः महीना में सेठ साहूकार राजा महाराजा उनका भोजन करा देते हैं। अब के जमाने में ना साधु रहिए ना साहूकार रहिए, आज सेवा करो, उसको खाना दो जिसके खाना ना हो, गरीब हो, बच्चा हो, छोटा हो, बुढ़ा हो, जानवर हो, चाहे मनई हो, वैसा देव वैसे बड़ी कोई ना पूजा है, ना वैसे बड़ी कोई भागवत है, ना वैसे बड़ी कुछ है ही नहीं। अगर है हम 1,00,000 रुपया हमारे TV पर आवत, 1,00,000 हम ऐसा दे दें, हमका यह बता दिए कि यहीं से बढ़ के हनुमान स्वामी की यह पूजा है। 1,00,000 सेवा भाई, रोटी बड़ी है, रोटी की तस्वीर थोड़े बड़ी है। रोटी पेटे में जाई और रोटी की हम तस्वीर निहारा करी तो पेटे में थोड़े जाए। सबसे बड़ा तो आत्मा है। बस आत्मा नहीं, बस इसलिए सेवा सेवा करो। तो आप लोग इसी गांव, कौन गांव है ये? दरियापुर और का बरवाओ गांव जी का रेलवे स्टेशन है ना? रेलवे स्टेशन तो आगे होगा। अच्छा, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है ना, फाटक ये का बाद रेलवे वही है। अरे रेलवे पटरी तो दिख रहा है वहाँ से, देखिए हाँ इधर गांव है दरियापुर। दीवाल पर महल अभी चढ़ गई, कहा हो कमाल है भाई। हाँ हाँ यही सब खैर, जब वहाँ पर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, यके अंदर कहाँ है? अच्छा ये चीनी मिल है, हाँ हाँ। अरे यही में तो हम लोग अनशन में भी बैठे रहे कि शायद यह चालू हो जाए, लेकिन यह मायावती जो है अब ना हुई तो चला जाए फिर।